नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामेन टेक बैंकिंग YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस YouTube चैनल माध्यम में लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी आपने मेरे स्क्रीन पर देख रखा होगा, थंबनेल पर भी देखा होगा, जिसमें दिया हुआ नाम मिशन लीगेसी का। बहुत से CSP वाइज समझ रहे होंगे ये मिशन लीगेसी क्या है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ उसी के ऊपर। और कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बैंक के लिए। ये मिशन लीगेसी इसलिए रखा गया है इसका नाम, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों की बात कर रहा हूँ, कि सालों से ब्रांच के द्वारा, RBO के द्वारा, RBO ब्रांच से फॉर्म मांग रही है, ब्रांच वाले CSP से फॉर्म मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेंडेंसी ख़त्म नहीं हुई है। वो रेगुलर उनके सिर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि जो सन 2017-2018 में अकाउंट ओपन किए गए थे CSP के द्वारा, या बैंक के द्वारा, और उनकी जो है अभी तक ग्राहकों की क्या हुआ है, वो फॉर्म RBO नहीं पहुंचे, जिससे कि उनका CKYC हो सके। मतलब कि वो फॉर्म ना पहुंचने के कारण उनकी CKYC नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब कस्टमर के वहां पर कोई फॉर्म ही नहीं होगा, उनका आधार कार्ड आया, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, तो CKYC किस चीज़ से करेंगे। तो इसलिए उनका एक बहुत बड़ा सिर का दर्द बना हुआ, जो 2017-18 में CSP के द्वारा अकाउंट ओपन किए गए थे और जो अभी तक पेंडेंसी है। तो लगातार मेरे ख्याल से एक साल से ऊपर हो गया दबाव देते हुए, लेकिन अभी भी उनकी पेंडेंसी ख़त्म नहीं। इसी को लेके इस बार उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया उसमें नन CKYC का। CKYC अब आप अपने CSP पोर्टल से ही कर सकते हैं। कुछ उसमें संदेह था कि CKYC कैसे होगी, तो वो भी काफ़ी सारी वीडियो बनी है, उसमें ही बता दिया था। नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं करना CKYC करने में, केवल आपको कस्टमर का CIF नंबर लेना है, और CKYC किन कस्टमरों को करनी है ये भी बता चुका हूँ, उन्हीं कस्टमरों को करनी है जिसके पे पॉपअप सामने आ जाता है CKYC पेंडिंग का, उनका CIF नंबर लेना है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करना और EKYC जनरेट कर देना, बाकी का कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जैसे ही आप EKYC जनरेट कर दोगे, वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा, उसके जो CKYC थी वो पॉपअप आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक मिशन लीगेसी रखा गया है कि जितने भी जल्द, और उसका कमीशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 10 रुपये पर CKYC। तो इसीलिए इसका नाम मिशन लीगेसी रखा गया है कि जल्द ही जल्द हमें ये फॉर्म कंप्लीट करके RBO पहुँचाने हैं, ब्रांच में पहुँचाने हैं, जिससे कि उनकी जो पेंडेंसी है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।